दिल्ली से देहरादून की दूरी होगी कम। पहाड़ों पर सुहाना सफर भी होगा सुगम। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। जब बनकर तैयार हो जाएगा देश का पहला इको फ्रेंडली हाई स्पीड कॉरिडोर। जंगल में भी नहीं पहुंचेगा गाड़ियों का शोर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दिल्ली से देहरादून सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 5 से 6 घंटे का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में सिमटने वाला है। सैलानियों को मिलने वाली सौगात का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, बस इंतजार काम के शुभारंभ का है। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश, 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, नया हाईवे कमिंग सून। मैदानी इलाकों के हाईवे पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में फर्राता भरती हैं, लेकिन पहाड़ की दहलीज में दाखिल होते ही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है। घुमावदार सड़कों पर 15 से 20 किलोमीटर का सफर भी तय करने में 1 घंटे लग जाता है। लेकिन दिल्ली से देहरादून के रास्ते पर अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्यों, ये जानने से पहले जरा दिल्ली से देहरादून की दूरी और उसके सफर में लगने वाले वक्त को जान लीजिए। दिल्ली से देहरादून की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में अभी करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सफर घटकर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के बीच में ही रह जाएगा। दिल्ली से देहरादून के बीच एक नए हाईवे का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये एक काफी अच्छी स्पीड और इसमें 100 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से कम गाड़ी चल पाएगी, जिससे कि ये जो 20 किलोमीटर का रास्ता हमारा 15 मिनट में तय हो सकता है। इको फ्रेंडली रास्ता है ये। ऐसा हाईवे आज तक कभी इंडिया में, इस तरह का हाईवे कभी बना नहीं। मौजूदा वक्त में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत गणेशपुर से देहरादून के बीच सफर करने में होती है। इस रास्ते पर घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, जंगली जानवर हैं। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गणेशपुर से देहरादून के बीच करीब 20 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। तेरह किलोमीटर की एलिवेटेड रोड नदी के ऊपर से निकाली जाएगी। इनके लिए ना तो ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना ही पहाड़ों को ज्यादा काटा जाएगा, ना पर्यावरण को चोट पहुंचेगी और ना ही जंगली जानवरों की वजह से हादसे होंगे। ये देश का पहला इको फ्रेंडली हाईवे होगा। प्रेजेंट जो टनल है उसके बाजू में एक दूसरी टनल बनेगी, जिसकी वजह से ये और चौड़ा हो जाएगा, जो ज्यादा गाड़ियां जिससे निकल पाएंगी। 4 लेन का हाईवे है पूरा कंप्लीट, और इसमें से 13 किलोमीटर सेक्शन जो होगा वो कंप्लीटली एलिवेटेड होगा, जो कि जंगल को बचाएगा, पेड़ों को बचाएगा और जानवरों को बचाएगा। इसके साथ ही हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए एक टनल भी तैयार की जाएगी। देहरादून के लिए मौजूदा सड़कें मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की से होकर निकलती है, जबकि नया एक्सप्रेसवे बागपत और सहारनपुर से होकर गुजरेगा। 2060 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हाईवे के लिए इस साल के अंत तक टेंडर निकाल दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि अगले साल से इसका काम भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून महज 2.5 घंटे में पहुंचने वाला ये हाईवे 3 साल में बनकर तैयार होगा। बीजेपी इस काम को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। उत्तराखंड के बीजेपी नेता कहते हैं कि सरकार के विकास पथ पर बनने वाले इस हाईवे से दूरी कम और यात्रा सुगम हो जाएगी। इस योजना का जब शुभारंभ होगा और 2.5 घंटे के अंतराल में दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली,
यात्री पहुंचने रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के हित के लिए होगी। और ये सौगात जो देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। कोरोना काल में विकास की ये बातें कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, सड़क पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि ये सब कोरोना से ध्यान भटकाने की साजिश है, सफर करने के लिए लोगों को जिंदा रहना जरूरी है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, इस समय सड़क की बात कहां हो रही है देश में? इस समय जो बात हो रही है उस बात पर आप बात नहीं करना चाहते। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपकी क्या राय है ये बताएं, बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या राय है ये बताएं, राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से रुका हुआ है उसके बारे में बताएं। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, भैया हम 5 घंटे में पूरा कर लेंगे सफर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को जिंदा तो रहने दो। बहरहाल सड़क पर सियासत के बीच इस प्रोजेक्ट को पहाड़ी राज्य से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि एलिवेटेड रोड पर्यटन में बड़ी भूमिका निभाएगा और राज्य के आर्थिक विकास को बेहतर करने में बड़ा फैक्टर साबित होगा। दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर अब